अब देखो इतनी गर्मी में शर्ट पहन के वीडियो बनाना भी बहुत बड़ा स्ट्रगल अपने आप में। सो इमोशनल ड्रामा बंद करके टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि हम कैसे किसी भी स्किल को स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड करें और बीच में हमें गिल्ट फील ना हो। लाइक हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके बीच में हमें ऐसा लगे कि हमें ये कोर्स चेंज करके कोई और कोर्स लेना चाहिए, कुछ ऐसा आता है ना कभी कभी। तो द फैक्ट बात करूंगा यार, मेरा नाम प्रतीक है और आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी के साथ हो रहा है और जो वीडियो देख रहा होगा उसके साथ भी होगा। चाहे जिससे पूछ लोगे उसको ऐसा लगता है कि वो कोई स्किल डेवलप कर रहा है तो उस केस में मे बी इन बिटवीन उसको लगता है कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, फिर इससे बेटर कोर्स आ चुके हैं। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक हमें ये कोर्स ड्रॉप कर देना चाहिए, नया कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा है, मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। तो देखो यार, ये चीज़ें चलना बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सही है, फैक्ट है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं आप कोई भी एक रैंडम सा कोर्स कर रहे हो, तो ये एक एक्साइटमेंट होना अच्छी बात है और क्रिएटिव रहना भी एक अच्छी बात है, लेकिन इन केस में गलतियां क्या क्या कर देते हो वो नहीं करना। मतलब बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अवेलेबल हैं, मुझे इन चीज़ों की फील्ड में जाना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कंटेंट राइटिंग चूज की, तो इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस मिलेंगे कि मैं इस फील्ड में काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ऐसी ब्रांचेस मिलेंगी। ठीक है, हम जो कोर्स कर रहे होते हैं, अगर हम बिगिनर हैं उसमें स्टार्टिंग फेज में, तो हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम चीज जल्दी सीख रहे हैं। गलतियां क्या क्या कर देते हो वो नहीं कर रहे हैं। अब देखो, मान लो आप कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी कोर्स हो सकता है, उसका ओवरव्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरव्यू में कोई स्कैम नहीं होता, कुछ भी चीट वगैरह नहीं होती, उसमें जो चीजें लिखी होती है वो आपको मिलती है। एग्जांपल लिए कोई बुक खरीदो तो उसमें एक होता है ना, कंटेंट्स होते हैं ना उनके, जो भी इंडेक्स होता है उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं, उसमें स्कैम नहीं होता। सेम कोई भी कोर्स हो उसमें भी यही सिचुएशन होती है, उसमें कोई भी ऐसा स्कैम नहीं होता, लेकिन रिव्यू, रेटिंग्स, टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स, इसमें स्कैम्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, जैसे कि अभी मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कोई कोर्स किस बेसिस पे लोगे, सिर्फ कंटेंट देख के तो नहीं ले सकते, या फिर लाइक उसका ओवरव्यू देखकर नहीं ले सकते, कितने लोगों ने उसका रिव्यू किया है, उसकी रेटिंग क्या है, कितने लोगों ने उसे पसंद किया है, एक्चुअल में फीडबैक लोग कैसा दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखकर ही हम एक कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है इन सिचुएशन में, चीज़ों को रेफर करना है। आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपने पढ़ रखा नहीं है, आपके कोई परिचय का नहीं है जिसने उस कोर्स को ले रखा है, अगर ले रखा है तो वेल एंड गुड, आप उससे पूछ सकते हो, वो बंदा एक्चुअल फीडबैक देगा। इस पॉइंट को मैं होल्ड करके रखूंगा, लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विथ एन एग्जांपल, छोटी सी स्टोरी के साथ। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं रिव्यू के बारे में। अगर आपके आसपास कोई है उस कोर्स को कर रहा है या फिर उस स्किल को सीखा है किस प्लेटफॉर्म से, तो उससे एक बार रेफरेंस लो, पूछो क्या ये कोर्स सही है, मैं किस प्लेटफॉर्म से करूँ, कैसे बेटर होगा, तो वो बता देगा। उसके अकॉर्डिंग उस रेफरेंस से जाओ, अगर वो कहता है नहीं यार नहीं ठीक है, तो ड्रॉप करके और सर्चेस करो। फर्स्टली अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, आपको रिव्यूज देखने हैं, तो रिव्यूज देखो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा रिव्यू पढ़ने के बाद कि वो रिव्यू फेक है या जेनवन है। देखो यार, कोई भी जेनवन बंदा है वो हर जगह रिव्यू नहीं करता है, जो एक्चुअल में कोर्स करता है ना वो रिव्यू नहीं करता, तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कैसे रिव्यू करना है। ठीक है, तो सिंपल अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का यूज करके, या फिर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करके, या फिर ज्यादा अप्रिशिएट करके, अगर लिटरली पसंद आया तो अप्रिशिएट करके, कुछ जो भी कमियां वगैरह है सब कुछ अच्छे से बताता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को पूरा इक्वली ट्रीट करता है, या फिर कुछ जो भी लगता है वो क्लियरली बोलता है। ठीक है, लेकिन जो फेक रिव्यूज होते हैं, या तो उसमें पूरी पॉजिटिव बातें होंगी, या फिर ऐसी नेगेटिव बातें होंगी जो एक्चुअल में नेगेटिविटी है ही नहीं, कोर्स बेच रहा बंदा उसी ने प्रमोट कराई होती है। ठीक है, आजकल फीडबैक रिव्यू करना बहुत ईजी है, सो ऐसी सिचुएशन होती है, तो रिव्यू ट्रस्ट उन्हीं का करो जो लग जाता है देखने में कि नहीं ये एक्चुअल रिव्यू लग रहा है, इसने सचमुच कुछ नेगेटिविटी बनाई है, इसने सचमुच इस कोर्स को यूज किया है, तब जाके बंदा बोल रहा है, सो उस पर बिलीव करो। सेकंडली रेटिंग्स की बात करें, तो रेटिंग भी देखो, रेटिंग पहले ही 5 स्टार वाली रेटिंग मत देखो, 3 स्टार 1 स्टार की जो रेटिंग है उनको भी देखो, उनको देखने के बाद एक आइडिया मिलता है कि हाँ फाइन ऐसा कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं डिफेम करने के लिए 1 रेट कर देते हैं, तो वो भी पता चलता है कि बंदा बहुत हेट कर रहा है इसलिए ऐसा लिखा है, लेकिन कुछ लोग लिटरली लिखते हैं कि हाँ उन्हें ये चीजें पसंद आई, ये चीजें उन्हें नहीं पसंद आई, इसलिए वो नेगेटिव रेट कर रहे हैं, सिंपल एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ टेस्टिमोनियल्स की। टेस्टिमोनियल जो भी रिव्यू लिख कर देते हैं ना, देखो इसमें बहुत बड़ा अभी स्कैम होने लगा है, क्योंकि कोई भी पैसे लेकर 100-200 लेकर टेस्टिमोनियल टाइप कर रहा है, या फिर अपना खुद एक वीडियो बनाकर दे रहा है। ऐसे केस में ना हमें वीडियो देखकर पता चलता है, एक बंदा जो कि कभी कैमरे को फेस नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टेस्टिमोनियल वीडियो बनाने के लिए देगा तो मैं इजीली बना सकता हूँ कि मैंने कैमरे बहुत बार फेस किए हैं, अभी तक ठीक बोलता हूँ ना, कमेंट करके बताना, अच्छे से बना सकता हूँ वीडियो, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं कैमरे में कभी बोल सकता हूँ चाहे जो कैमरा हो। बट ऐसा बंदा जिसने कभी कैमरा फेस नहीं किया, मैंने बहुत टीचरों को देखा जो कि ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छे से पढ़ाते, व्हाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट वो कैमरे को फेस नहीं कर पाते। सो अगर वो कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो उनको भी टेस्टिमोनियल क्रिएट करने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, ब्रेक वगैरह लेते हैं, और उनका एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये सब चीजें एक पता चलता है कि हाँ यार एक फेक टेस्टिमोनियल है और एक रियल टेस्टिमोनियल है। इस बंदे की शक्ल देख के समझ में आती है यार बंदा सच में उस कोर्स को कर चुका है या फिर नहीं, ऐसा ही बोल रहा है, तो इस पर भी ध्यान दो, थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ रियल है या फेक है। बात आते हैं प्राइस पॉइंट की। प्राइस पॉइंट देखो, आजकल कॉम्पिटिशन बहुत पड़ चुका है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में तो चीजें इतनी सस्ती होती जा रही है, पूछो ही मत, मुझे लगता है कल को 5 रुपए में कोर्स मिलेगा, समोसा भी नहीं मिलता 5 रुपए का, सॉरी
फिलहाल जो भी है कोर्सेस सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो सस्ता महंगा इट्स नॉट अ पॉइंट, क्योंकि हम एक बार कोर्स लेकर अगर सीख लेते हैं अच्छी तरीके से तो हम उससे बहुत ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो जिस भी कोर्स को सिलेक्ट करना है पहले तो उनका ओवरव्यू देखो, जो भी कंटेंट वगैरह है, उसके बाद रेटिंग्स देखो, रिव्यूज देखो, टेस्टिमोनियल्स देखो, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, कितने यूजर्स ने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया है। मेनली जो स्टूडेंट यूज कर रहे हैं उन्हीं के फीडबैक पर बिलीव करो, वो जो कहते हैं इनका वहाँ पैकेज लग गया, इतना का पैकेज लग गया, उतना पैकेज लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी स्किल पर काम करो, तुम्हारा भी अच्छा पैकेज लग जाएगा। फाइन, तो इसमें जो मैंने एक पॉइंट बोला था होल्ड करने के लिए, उस पर मेरा ओपिनियन क्या है, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं क्लास 8th में था, तब एक सर थे शैलेंद्र सर, उन्होंने मुझसे बोला कि लाइक मैं उस समय CHS का फॉर्म भर रहा था, मेरा नहीं निकला, कभी नहीं निकला। CHS का फॉर्म भर रहा था, उस टाइम मैंने सर से पूछा कि सर मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ये सही है कि नहीं। अब मैंने सर से भी पूछा तो सर ने एक बात बोली, बहुत मतलब बहुत पसंद आई, वो बात थी कि प्रतीक अगर तुम किसी टाइम से पूछो कि जो बात सिर्फ फेल ही होता है और वो प्रोकास्ट करता रहता है, वो कभी उसने ट्राई ही नहीं किया अच्छे से, तो वो नेगेटिविटी ही बताएगा। अगर तुम उस बंदे से पूछो जो क्रैक करके आया है, ठीक है, तो मे भी अगर हार्ड भी होगा तो भी बताएगा नहीं भाई तू कर सकता है, थोड़ा हार्ड तो है बट तू कर सकता है। तो अगर किसी भी कोर्स को कोई बंदा कर चुका है उससे उसको रिजल्ट नहीं मिला तो इसके मैटर ये नहीं करता कि आपको भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें तो क्लियर हुई कि कोर्स लेना कैसे है और रिव्यू वगैरह कैसे चेक करने हैं, ठीक है। अभी कोर्स लेने के बाद जो कन्फ्यूजन होती है प्रतीक, उस पर क्या काम करें, सिंपल है, एक बार जो कोर्स ले लिए ना उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें सर्च करना बंद कर दो जब तक वो कोर्स खत्म नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो पहला कोर्स करते हो ना तुम्हें एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई अभी मुझे एक आइडिया लग रहा है कि हाँ ये कोर्स एक्चुअल में क्या था, इसमें क्या क्या था, एक बेसिक पता चलती चीजें, ठीक है। फिर बाद में तुम अलग अलग कोर्सेस करो, फ्री भी कोर्सेस करोगे ना तब भी तुम्हें चीजें समझ में आती रहेंगी कि हाँ ऐसे ऐसे है, और ट्राई एंड एरर कर सकते हो, ट्राई एरर करके फ्री काम करना सीखो यार, फ्री। मैं पर्सनली खुद पहले प्रेफर करता था कि कुछ भी कर रहा हूँ तो उसके पीछे मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है, लेकिन अभी अगर फ्री में आप किसी के लिए कुछ करते हो तो मे बी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक साल बाद बहुत बहुत बेनिफिट होगा यार। तो ट्राई करो, फ्री में किसी के लिए काम करो और उससे फीडबैक लो, वो एक्चुअल फीडबैक होता है, वो आप फीडबैक देंगे, उस फीडबैक को यूज कर सकते हो फ्यूचर में, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीखो, एक कोई भी कोर्स चूज कर लिया जो भी आपने रिव्यू वगैरह करके, उसको कंप्लीट करो, इधर उधर मत भागो। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप क्या करना चाहते थे, क्या सीख रहे थे, उसके बाद प्रोसीड कर सकते हो किसी भी कोर्स के साथ, और ट्राई एंड एरर करते रहो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, 2K चाहिए। बस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वर्न आउट।